पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माय बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी24 न्यूज़ एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। प्रधानमंत्री आवास प्लस डाटा की सूची में ST SC वर्ग के पात्र हितग्राहियों का नाम गायब। खैरलांजी रोजगार सहायक की भारी लापरवाही, कौन है जिम्मेदार? SC वर्ग की पात्र हितग्राही महिलाएं त्रिपाल की झोपड़ी में रहने को हुई मजबूर। खैरलांजी मुख्यालय की ग्राम पंचायत खैरलांजी में रोजगार सहायक मेघराज दमाहे की भारी लापरवाही सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में छूटे हुए हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत जोड़ना था। 2018 में रोजगार सहायक के द्वारा गांव में घूम घूम कर छूटे हुए हितग्राहियों OBC ST और SC सामान्य लोगों का घर सर्वे करके हितग्राहियों की फ़ोटो खींचकर अति आवश्यक दस्तावेज भी लिए गए। आवास प्लस की जब सूची जारी हुई तो देखा गया कि आवास प्लस की सूची में ST SC के पात्र हितग्राहियों के एक भी कोई नाम नहीं है। SC वर्ग की पात्र महिलाएं जब ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे एवं ग्राम रोजगार सहायक से पूछा गया कि ST SC वर्ग के पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में क्यों नहीं है तो रोजगार सहायक के द्वारा संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। MPCD24 न्यूज एक्सप्रेस खैरलांजी से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट। संगीता मिश्रा बोल रही हूँ, मैं आवासीय हूँ। कई दिनों से आवेदन देने के बाद भी मेरा नाम नहीं आ रहा, बहुत परेशान कर रहे। कितने बार आवेदन ग्राम सभा 10 बार आके पता नहीं मेरे आवेदन को कहाँ फाड़े गट्ठे में बांध के रखे, आवेदन नाम ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ भैया, मैं पाल बांध के रहती हूँ, क्या बताऊँ। मैं छोटे छोटे बच्चे में साफ बीच में बरसात में इतनी परेशानी से मैं काटती हूँ, क्या बताऊँ। मेरे पास में बंदियाँ है, बहुत तकलीफ काटती हूँ। ऐसा लगता है कि कब कब मेरे को मकान मिलता है, इसका लाभ मिलता है। अभी जो आप जो आवास प्लस की सूची आई उसमें आपका नाम है या नहीं? नहीं है भैया। क्या बोल रहे सचू भैया? ये बोल रहे रोजगार सहायक कि आपका नाम लोटेच नहीं हुआ बोल रहे हैं, आप लोग नहीं हुआ बोले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं बोले हम, बोले कारण बताओ क्यों नहीं हो रहा, तो वो बोल रहे कि हम कारण क्या बताएंगे, लोटेच नहीं हुआ, तो बस यही बोल रहे हैं। इसमें कोई हेरा फेरी हुई पक्षपात SC के साथ में पक्षपात हुआ कि नहीं भैया? हम ये बोल रहे हैं कि ये बात हम बात इसलिए उठा रहे हैं कि ये OBC के साथ में ऐसा नहीं, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, ये सब नहीं होना था। हम बोलते बिल्डिंग वालों को भी दे, लेकिन हमको जरूरतमंद उनको भी दे ना, उनको भी दे। हम अपने घर से नहीं दे रहे, सरकार दे रही इसके लिए, लेकिन जो जरूरत है उनको देना चाहिए। जिसको जरूरत है उसको। संबंध कभी आपने शिकायत की हो किसी से, अधिकारियों से? अधिकारियों से भैया मैंने बहुत पहले से शिकायत भी करी थी, इसके पहले कलेक्टर पास में भी गई थी मैं, जन सेवा में गई बहुत बार भी। आवेदन मैंने फोटो सहित खिंचवा के दी थी, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि आप अपने ग्राम पंचायत करो, बोले तब होएगा, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कई बार वो शिकायत में वो ऑनलाइन है ना, तो वहाँ भी एक CM हेल्पलाइन, वहाँ भी बोले कि आप बोले पंचायत करो, बोले संपर्क, बोले तब ही होगा, बोले तो यहाँ भी आओ तो यहाँ के लोग ये बताते हैं कहाँ जाए बताओ। आप वार्ड नंबर 9 में रह रहा हूँ, मैं लगभग 9 साल हो गए मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। 2011 की लिस्ट में मेरा नाम सर्वे में नाम नहीं है, मैं 2018 के सर्वे में नाम दिया हूँ और उस नाम के चलते में इनने डाटा अपलोड नहीं हुआ, वो कारण बता रहे हैं, और 2018 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। आवास प्लस में मैंने बकायदा डाटा वाटा दिया, नाम वाम दिए, फोटो वोटो लेने के बाद में डाटा अपलोड नहीं हुआ, वो कारण बता रहे, पर डाटा अपलोड का कारण नहीं बता रहे कि क्यों डाटा अपलोड नहीं हुआ। मैं रोजगार सहायक से पूछना चाह रहा हूँ, रोजगार सहायक ऊपर CO के पास में जाओ, मैडम BO मैडम के पास में जाओ, ऐसा बोल रहे, मुझे कारण नहीं बताया जा रहा है। SC का कोई नाम नहीं है, SC का कोई नाम नहीं है, ST का भी नहीं, ST का भी नाम नहीं है, OBC का पूरा नाम नहीं है, लगभग 75% नाम नहीं है। अच्छा, डाटा के हिसाब से हेरा फेरी की जा रही है मकानों की। जो आवास प्लस में अभी जो सूची बनी उसको देख करके क्या लग रहा है, बिल्कुल जो जिन लोगों के नाम आए हैं बिल्कुल पात्रता रखते हैं क्या वो लोग? हाँ, उसमें तो लगभग जो कुछ नाम में मकान मिलना चाहिए और 25% तो पूरी हेरा फेरी है, मतलब गलत लोगों को पात्रता मिली है। कुछ नाम ऐसे जिनके पक्के मकान है, 40-50 लाख का मकान है, उनका भी नाम दिया गया है, मकान है पति के नाम पे और पत्नी के नाम पे दर्शाया जा रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है। फॉर्म दे रहा हूँ, फॉर्म में कोई कार्रवाई नहीं हो रही,
मतलब आपका नाम आपका आवास के लिए आपका नाम नहीं जुड़ा है सर? नहीं जुड़ा। क्या बोल रहे थे सचिव लोग? बोल रहे कि हम डाटा तो पहुँचा दिए मगर वो डाटा बोले नहीं आए। तो आप ओबीसी से आते हैं ना? हाँ। अभी यहाँ जानकारी लगी कि ओबीसी लोगों की लिस्ट आई तो उसमें आपने नाम देखे? नहीं है नाम नहीं है। नहीं है। क्या बोल रहे हैं सचिव महोदय? सचिव बोल रहे हैं कि भाई हमने तो पहुँचा दी। अच्छा। नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो उस समय आप घर आकर के इन लोगों ने फोटो लिया था क्या? फोटो भी खींचे थे ना घर में आकर के। मेरा अनुमान है कि जैसे 500 लोगों का तुमने जिक्र किए उसमें से आपका 60 लोग का नाम कैसे आया और बाकी का नाम कैसे छूटा? इसका मतलब आप धन ले रहे हो। रोजगार सहायक महोदय, यहाँ पर जो आवासीय प्लस की जो आपके यहाँ सूची आई है इसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों के नाम लिस्ट में जुड़े नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेघराज दमाए ग्राम पंचायत खेलान के ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ हूँ। हमारे मेरे द्वारा आवास प्लस जब चालू हुआ उस समय सभी का सर्वे किया गया, चाहे SC रहे, OBC रहे या SC ST रहे, लेकिन कुछ पोर्टल की वजह से नाम अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए अभी हमारे पास 58 लोगों का नाम OBC में दिखा रहा है। अब किसी का कहना है कि हमारा भी नाम जो सर्वे हुआ था तो फोटो इन्हें अपलोड नहीं हुआ है, तो उनका भी कार्रवाई चल रही है। अभी जो SC की महिला जो आई है उन लोगों का कहना है कि जो ज़रूरतमंद है उनको जो अभी OBC की जो सूची आई है हाँ। उसमें जिनको आवश्यकता नहीं उनका भी नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? इस बारे में यही है, सर्वे हुआ था तो सभी का नाम आया है, पात्र अपात्र करना में वो टीम पर निर्णय करता है पंचायत पर, लेकिन हमारा कर्तव्य कि सभी का नाम जोड़ेंगे हम। तो सर्वे में अपन देखते नहीं कि किसके लिए किसको मकान की आवश्यकता रहती है किसको नहीं रहती? फार्म जमा हुआ था गाय के द्वारा तो घर में जाके देखते हो आप? हाँ, घर में जाके देखे थे। उनका उस समय मकान कच्चा ही था, कच्चा मकान था उस समय में। नहीं पर इन लोगों का तो ऐसा कहना है ना कि ऑलरेडी कुछ लोगों के अच्छे मकान है बने कच्चे मकान वाले कोई आवास नाम लिस्ट में आ गए, कच्चे मकान वाले का ही सर्वे किया गया था और अभी भी पक्के बन गए होंगे वो बात अलग है। अभी जो ये शिकायत लेके आके इनका समस्या हल होगी? हाँ, अभी आवास प्लस चालू होगा तो उनकी समस्या हल हो जाएगी।